हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाइव हेयर कॉम, और ये इसीलिए शेयर करने वाली हूँ कि वन डे में, वन टाइम में मुझे कितना हेयर लॉस होता है। और अभी मॉर्निंग में ही मैंने अपना हेयर कॉम है वो किया है, और हेयर कॉम करने के बाद मैं वापस अभी री हेयर कॉम करने वाली हूँ, और इसमें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि एक्चुअल में मुझे कितना हेयर लॉस होता है। आज सुबह मॉर्निंग में ही मैंने अपना हेयर वॉश किया था, और हेयर वॉश करने के बाद मैंने हेयर कॉम किया था, और हेयर कॉम करने के बाद अभी मैं सेकंड टाइम वापस अपना हेयर कॉम करने वाली हूँ। क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है, तो वो हेयर लॉस कभी भी टाइम होता है, ज़रूरी नहीं है कि जब उन्होंने हेयर वॉश किया और हेयर वॉश के टाइम ही उनको हेयर लॉस होते हैं, उसके बाद भी उनको हेयर लॉस होते हैं। तो एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेयर वॉश करने के बाद, जब मैंने हेयर कॉम तो कर लिया, बट उसके बाद जब मैं वापस अपने हेयर में कॉम करती हूँ, तो हेयर कॉम करने के बाद मुझे वापस कितना हेयर लॉस होता है, या फिर वन डे में, वन टाइम में मुझे कितना हेयर लॉस होता है पर्सनली। क्योंकि जो भी मैं रेमेडी वगैरह अपने स्कैल्प और अपने हेयर के लिए करती हूँ, वो इफेक्टिव और अच्छी होती है, बट आपको जब तक बिलीव नहीं होगा, जब तक कि मैं इसका लाइव सेशन या फिर आपके साथ कोई डेमो वगैरह शेयर नहीं कर देती, जब तक आपको मेरी रेमेडीज़ वगैरह पर बिलीव नहीं होगा। दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, या फिर मैं करना चाहती हूँ एक्चुअल में, कि अभी सेकंड टाइम मैं वापस अपना हेयर कॉम करूँगी, और उसको मैं कहीं से भी एडिट वेडिट नहीं करने वाली हूँ, उसको एज इट इज़ ऐसे ही रखने वाली हूँ, कि आपको भी पता चले कि हेयर कॉम एक बार तो मैंने कर लिया, और दूसरी बार जब मैं वापस अपना हेयर कॉम करने वाली हूँ, तो पर्सनली मुझे कितना हेयर लॉस होता है। आई नो, मतलब मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की कमी है, बट जैसे भी अभी मुझे एडजस्ट होता है, मैं वैसे ही एडजस्ट करके आपके साथ शेयर करूँगी। सो अगर मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है या ऐसा कुछ, तब मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँगी, बट मैं इसको एडिट नहीं करूँगी, और मैं दो सेक्शन में इस वीडियो को शूट करूँगी, फर्स्ट इस तरफ से और सेकंड इस तरफ से, दोनों को ही कॉम्बो नहीं करूँगी। अगर कॉम्बो कर दूँगी और बीच में बाई मिस्टेक मुझे, या फिर ऐसा कुछ हो कि मुझे एडिट करना पड़ सके, तो इस वजह से पहले मैं इस तरफ के हेयर कॉम करूँगी, देन सेकंड में इस तरफ के हेयर कॉम करूँगी। तो फर्स्ट मैं इस तरफ के जो हेयर है ना, इनको एक बन बना के रख लेती हूँ। अब इधर का तो मैंने हेयर बन बना लिया, अब मैं इधर हेयर कॉम करूँगी। सो हेयर कॉम के लिए मैं वही अपना वुडन कॉम यूज़ करूँगी। मेरा हेयर कॉम जो है ना, वो पूरा ही खाली निकला है। सो आई डाउट, तो मैं एक बार वापस ऐसे ही करूँगी। फर्स्ट सेक्शन से मुझे हेयर लॉस नहीं हुआ है, तो मैं इस सेक्शन को ऐसे पीछे कर लूँगी और बाकी वाले हेयर को आगे कर लूँगी। मैं इसी टाइप से अपने हेयर का जो कॉम है ना, वो करती हूँ, जिससे मेरे हेयर कम उलझे और कम टूटे, क्योंकि पहले ही लॉन्ग हेयर है और टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इस वजह से। सेकंड सेक्शन से भी मुझे अभी तक एक भी बार, मतलब एक बाल भी नहीं टूटा है। अब थर्ड सेक्शन, थर्ड सेक्शन से भी मुझे अभी तक कुछ भी नहीं निकला है, तो मैं एक बार इस पूरे ही हेयर को कॉम करूँगी। मतलब मुझे इस पूरे ही हेयर सेक्शन से एक बाल भी नहीं निकला है अभी तक, और मैं ये सेकंड टाइम हेयर कॉम कर रही हूँ। लुक एट दिस, एक भी बाल नहीं निकला है। तो अब मैं इस तरफ का बन बना लेती हूँ।
अब मैं इस तरफ का हेयर कॉम करूँगी, सेम वही 3 पार्ट में डिवाइड करके। इस तरफ से भी मुझे एक हेयर भी नहीं टूटा है। लुक एट दिस, सिर्फ और सिर्फ ये इतना सा हेयर निकला है ऑल ओवर माई, पूरे हेयर में से सिर्फ ये इतना सा ही हेयर निकला है। इसके अलावा मुझे बिल्कुल भी हेयर लॉस नहीं हुआ है। लुक एट दिस, बिल्कुल भी मतलब मेरे हेयर निकले ही नहीं हैं, ना इस तरफ से और ना ही इस तरफ से। तो मैंने अभी सेकंड टाइम हेयर कॉम किया है और आप देख सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एक बाल ही निकला है ऑल ओवर पूरे हेयर से। तो सोच लो कि मुझे कितना कम हेयर लॉस होता है। और अगर आपको ये भी बिलीव नहीं होता है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पब्लिक चैलेंज भी करने के लिए रेडी हूँ कि मैं पब्लिक में अपना हेयर कॉम करूँगी और जो अननोन पर्सन होंगे ना वही बताएंगे कि पर्सनली मुझे कितना हेयर लॉस हुआ है उस टाइम पर। बट आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। और अभी आपने देखा कि मुझे कितना हेयर लॉस हुआ है। तो एक्चुअल में जो मैं रेमेडी यूज़ करती हूँ अपने हेयर और स्कैल्प के लिए वो एक्चुअल में वर्क करती है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।